कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए, मैं आगे बताता हूँ। देखिए जरा प्रेशर जो है इफेक्ट देखने के लिए हमको कांस्टेंट टेम्परेचर लेना होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दिस पार्ट एक्सप्लेन्ड बाय हेनरी, सो दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ आल्सो। ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रोपोर्शनल का साइन हटा है, कॉन्स्टेंट लगाया, हेनरीज कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको। इट वेरीज विद गैस एंड टेम्परेचर, जैसे जैसे गैस या टेम्परेचर चेंज होगा केएच का वैल्यू चेंज होता है। लिमिटेशन क्या है हेनरीज लॉ का, प्रेशर इज नॉट टू हाई, बहुत हाई प्रेशर पे वैलिड नहीं है, बहुत लो टेम्परेचर पे वैलिड नहीं है, एंड डज नॉट केमिकली रिएक्ट, किसी के साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए। सर हाँ तो सर जो आपने बोला है वेरीज विद गैस, मतलब गैस के नेचर के टाइप पे भी वो इफेक्ट करेगा, नेचर ऑफ गैस, गैस का मतलब ही वही है, मतलब CO2 है, H2 है, N2 है, तो हर एक के लिए अलग अलग। ओके सर, सर एम क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, तो मास ऑफ दैट गैस। रेस कर दें, हो गया सर। Solution of liquid and liquid when solute and solvent both are in liquid form.
सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड है ना. हाँ यहाँ पे हमने आपको एग्जाम क्या बताया, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉलेंट बोथ आर इन लिक्विड फेज ए कंडीशन है, तो बनने वाला सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिक्विड इन सॉल्यूशन बोला जाएगा. ये एग्जांपल्स गिवन है. इसके बाद इसे हमने क्लासिफाई किया उनकी एफिनिटी या सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे. कंप्लीटली मिसिबल है बेंजीन टॉलिन, मतलब सेम फैमिली का होगा. पार्शियली मिसिबल है मतलब लेस एफिनिटी फिनॉल एंड वॉटर. इनमिसिबल मतलब बिल्कुल डिफरेंट नेचर के हैं, आपस में रिएक्शन नहीं करते. करिए सिटी लाइन में सॉल्यूशन लिखा है क्या? हाँ हो गया कॉपी. यस सर. देखिए अब इसमें से ये जो मिसिबल वाला पार्ट था इस पर लेकर के हमारा आगे का डिस्कशन होगा.
और इससे बनने वाले सॉल्यूशंस को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है आपका आइडियल सॉल्यूशन। देखिए जरा, आइडियल सॉल्यूशन इज वन इन विच द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर विद इक्वल फोर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। अगर दो ऐसे सॉल्यूशन की बात करें जिनके बीच में एक अलग सी एफिनिटी होती है, वो राउल्स सॉरी आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सचर शुड बी जीरो, मतलब कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 100 ml सॉल्यूट है और 200 ml सॉल्वेंट है तो 300 ml मिलना चाहिए, ना लेस देन ना मोर देन। फिर हीट चेंज ऑफ मिक्सचर शुड बी जीरो, मतलब ना तो रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए ना तो एमिशन होना चाहिए। मस्ट ओबे राउल्स लॉ, ये क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स में आप क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं तो याद रखने की एक तरीका आप समझ लीजिए कि जो भी एग्जाम्पल्स का कॉम्बिनेशन होगा वो सेम फैमिली को बिलोंग करता होगा। मतलब आप पहला एग्जाम्पल आप पढ़ पा रहे हैं, बेंजीन प्लस टोलिना, देखिए दोनों एरोमेटिक है, सेम फैमिली के मेंबर है। दूसरा एग्जाम्पल CCl4 SiCl4, सेम फैमिली। एन हेक्सेन एन हेप्टेन, सेम फैमिली। नोट डाउन करिए।
कॉपी हो गया? नहीं सर, लास्ट वाला डी पॉइंट चल, ठीक कर गया। देखिए जरा राउल्स लॉ क्या है। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सॉल्यूशन। बहुत पहले आपको बताया था कि पार्शियल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, जिसका भी आपको निकालना है। हमने इक्विलिब्रियम में भी ये चीज की थी। अब हमने ए और बी दो कंपोनेंट का एक मिक्सचर, एक सॉल्यूशन हमने ले लिया है, जहां पर P और PB हम पार्शियल प्रेशर को डिनोट कर रहा है
और पी नॉट ए पी नॉट बी जो है वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा था, वेपर इन प्योर स्टेट ऑफ ए एंड बी। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम अप्लाई करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। बी के लिए क्या होगा, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक, एक्स ए एक्स बी मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, हमने यहाँ पर वैल्यू रख के दिखा दिया है, नोट डाउन कर लीजिए। तो सर मतलब पी और पीबी मतलब उनके पार्शियल प्रेशर से जब लोग सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेंगे, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सर वो टोटल पार्शियल प्रेशर होगा ना कहाँ पे सर, टोटल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर को ही तो टोटल प्रेशर बोलेंगे ना, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इज टोटल प्रेशर।
सर हो गया कॉपी yes, सर ये तो मैंने अभी आपको राउल्स लॉ बताया और आइडियल सॉल्यूशन बताया. अब जरा इस आइडियल को कंपेयर करते हैं कि अगर वो कंडीशंस को ये फॉलो ना करे तो बनने वाला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल हो जाएगा. तो नॉन आइडियल में क्या पॉसिबिलिटीज है वो हम आपको बताते हैं. तो मुझे एक चार्ट बनाना है तो बनाता हूं, आप अभी कॉपी नहीं करिएगा, जब चार्ट बन जाए तो आप कॉपी करिएगा, ठीक है. Thank you.
देखिए जरा ध्यान से, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने अभी बात आपसे करी थी। राउल्ट्स लॉ भी करता है, डेल्टा एच मिक्सर जीरो, डेल्टा वी मिक्सर जीरो, प्रेशर सब इक्वल होते थे और इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट ए ए, सॉल्वेंट बी बी और सॉल्यूशन बना तो ए बी, इन सब के बीच का इंटरेक्शन एंड अट्रैक्शन फोर्स सेम होता था, ये आपको बताया। अब उनकी बात करते हैं जो इसे फॉलो नहीं करते, तो दो पॉसिबिलिटी है। पहले तो राउल्ट्स लॉ पक्का फॉलो नहीं करते इसलिए नॉन आइडियल बोल रहे हैं। डेल्टा एच मिक्सचर अगर पॉजिटिव आया, इंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, नेगेटिव आया तो नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। डेल्टा वी मिक्सचर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, डेल्टा वी मिक्सचर नेगेटिव आया तो नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। प्रेशर हर हाल में ज्यादा होगा अगर डेविएशन पॉजिटिव होगा, प्रेशर कम हो जाएगा अगर नेगेटिव डेविएशन होगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होता है अगर डेविएशन पॉजिटिव आ रहा है, यानी सॉल्यूशन जो बन रहा है ए बी वो ए ए और बी बी से कम अट्रैक्शन रखता है, अगर ज्यादा रखता है तो वो नेगेटिव डेविएशन में आता है। एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ते हैं तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए कि एग्जांपल्स आपको मेमोराइज करने ही करने।
सर क्या वो राइट साइड का पार्ट भी दिखा सकते हैं आप बोर्ड का? वो वहां पे सिर्फ बीबी लिखा हुआ है, ए ए एंड बीबी। अच्छा सर वही जो अपोजिट है ना मतलब? हाँ हाँ बस बस। सर हाँ बोलिए। सर आपने वो जो आइडियल सॉल्यूशन में वहां पे अपने नीचे लिखा है ऑल इंटरैक्शन शुड बी सेम। हाँ ओके डन सर। सबका हो गया? यस सर। एक मिनट एक मिनट। लिखो लिखो जल्दी लिखो। सर वो लास्ट नेगेटिव डिवीजन में ए ए के बाद में क्या है राइट में? ए ए ए एंड बी बी। ओके ओके डन सर। कर दूं इरेज पूरा? अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है डिफरेंस में, मैं अभी हमको एक ग्राफ और एक्सप्लेन कर दूं।
देखिए जरा ये ग्राफ आपको आइडियल सॉल्यूशन का दिखाया यहाँ पे, जब हमने एक्स ए वन और एक्स बी जीरो लिया, ये पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए इज इक्वल टू एरो स्ट्रेट लाइन आपको मिलता है ग्राफ, ये सेम स्ट्रेट लाइन मिलता है। लेकिन अगर यही ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन हो जाए, ठीक, तो मैं एक ही ग्राफ बनाऊंगा आप अलग अलग बनाएंगे, तो ये लाइन अपवर्ड हो जाएगी, ये लाइन भी अपवर्ड हो जाएगी, ये लाइन भी अपवर्ड हो जाएगी। तो जो ग्रीन मार्कर से मैंने दिखाया है वो पॉजिटिव डेविएशन में बनाना है, जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो आइडियल सॉल्यूशन है। इसके बाद अगर नेगेटिव डेविएशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये एक्सपेक्टेड से कुछ कम, ये नीचे की ओर सारी लाइन जो है नीचे की ओर डॉटेड वाली जो है वो नेगेटिव डेविएशन पर रिप्रेजेंट करेगी। कर लीजिए कॉपी जरा, ग्राफ नहीं समझा। पहले तो स्ट्रेट लाइंस हैं क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा ना, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ये होगा, ये पढ़ा था ना हमने फॉर्मूला। हाँ सर। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आइडियल सॉल्यूशन का स्ट्रेट लाइन ही बनाया है मैंने। उसके बाद जब आपको बोला कि पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर हो जाता है, अब देखिए लिखा है थ्योरी में, तो हमने ओवरलैप करके दिखा दिया ग्रीन मार्कर से, जब डिक्रीज होता है तो नीचे लेस देन में दिखा दिया। इसके ऊपर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे अभी आगे आगे, जब इस पर क्वेश्चन दिखेंगे आपको तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल तीन ग्राफ है, तीनों को अलग अलग बनाइएगा, मिक्स मत करिएगा। कौन सा था, साइड हो जाएंगे वो ग्राफ नहीं दिख रहा। थैंक यू।
सेंटीमीटर है मिलीमीटर है? मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूं कि क्या है. वेपर प्रेशर ऑफ C2H5 एंड CH3OHR 44.5 एंड 88.7 mm है, ठीक है. फॉर्मिंग अ मिक्सिंग 60 ग्राम C2H5 एंड 40 ग्राम ऑफ अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल. टोटल प्रेशर निकालना है आपको. राउल्ट्स लॉ में मैंने आइडियल सॉल्यूशन का इक्वेशन बताया था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन होता है, यहाँ पर आपको ग्राम में दिया हुआ है. तो आप पहले मोल्स निकालिए, मोल फ्रैक्शन निकालिए, फिर टोटल प्रेशर निकालिए. ओके सर, करिए सर.
हो गया सॉल्व भाई? हाँ सर। सब लोग नहीं कर रहे हैं क्या? तो सर वो क्या है कि कोई दरवाजे में आ गया था तो इसलिए कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ा मुझे। अच्छा अच्छा चलो बेटा सॉल्व करो, इसे फटाफट से सॉल्व करो।
भाई आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है, कि कर ही रहे हैं यार आप लोग इतनी देर से? 66.95 नहीं यार गड़बड़ है सर, 15। हाँ सबका मैच किया कि मैं करके बताऊं सर? फाइनल आंसर क्या है फिर? 66.13 है कुछ अप्रोक्स। ओ एच का मॉलिकुलर वेट कितना आया सर? ये 46 और ये 32 सर, है ना? तो मैं डायरेक्ट एक बार लिख देता हूँ, 44.5 इनटू 46 बाय 60 अपॉन 46 बाय 60 प्लस 32 बाय 40 प्लस 88.7 ब्रैकेट, आपकी बार मोल फ्रैक्शन देना है, कितना है 40 बाय 32। जरा देखिएगा मैंने गड़बड़ तो नहीं लिखा है? गड़बड़ ही तो लिख दिया, वेट 60 था इसका, तो उल्टा लिख दिया। आप लोग बोल भी नहीं रहे सर। सही है। अरे कैसे सही है, उल्टा लिखा हुआ है। कोई सर वो दिख नहीं रहा सर। अच्छा दिख नहीं रहा तो तुम ऐसे ही बोल दिया। By 46 plus 40 by 32. ये आपका values put किया है मैंने, जिसका answer 66.13 mm आएगा। अब आप बताइए। 0.4 आ रहा है। हाँ ठीक है, that is okay, that is okay. But समझ आया ना हम लोगों को? हाँ सर समझ आया, कैसे करना है ये। चलो जरा next question देता हूँ मैं आपको, जरा try करिएगा। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 28% बाय मास ऑफ लिक्विड ए, मॉलिक्यूलर वेट 140, हैज वेपर प्रेशर 160 mm एट 37 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज गिवन 150 mm एचजी। करिए स्टार्ट।
डन सर। क्या आया आंसर? 358.3 mm। यार ये तो नहीं है आंसर, कुछ तो मिस्टेक किया है आपने, कुछ तो मिस्टेक है सर। एक मिनट वापस चेक करता अपना। ये क्वेश्चन बनी है आपकी क्यों भाई? हाँ सर ये बना। हाँ तो ये बना और पीए आपको निकालना है, सॉल्व करेंगे तो आपको पी नॉट ए 360.5 आएगा। सर टोटल प्रेशर 160 कैसे आया? आपको गिवन है वो वेपर प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर हो गया। टोटल प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर। हाँ अब बोलो कहाँ पर बोल रहे हो? सर 0.2 अपॉन क्या है? यहाँ पे 0.2+4। ये तो मोल फ्रैक्शन है। मोल सर मेरे को लगा कि वो एक नंबर है पूरा, दिख रहा नहीं ना इसकी। अच्छा अच्छा
इसे करने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए कंटेनिंग 1 मोल एंड 3 मोल ऑफ बी इज 550 mmHg. इफ 1 मोर मोल बी ऑफ इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज बाय 10 mmHg. फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी.
डन सर। सबने सॉल्व कर लिया? यस सर। एक मिनट, वन मिनट करो, करो जल्दी करो। क्या आंसर आया भाई जिन लोगों ने सॉल्व किया है? सर ए का 400 आ रहा है, बी का 600। वन मोल, थ्री मोल, 550। तो पी ए ले लेते हैं, वन बाई वन प्लस थ्री। पी बी ले लेते हैं, वन प्लस थ्री, ये 550 है ना। बाद में बोल रहे हैं कि वन मोर मोल ऑफ बी इज एडेड, तो आपने B को ऐड कर दिया, तो B के मोल्स टोटल कितने हो गए? 4। तो कहां कहां पे चेंज आएगा उसका? 1/5, ये हो गया 1/1+4, ये PB हो गया 4/5। तो कह रहे हैं 10 mm बढ़ गया ना। हाँ, तो कितना लिख दें हम? 560। अभी दोनों इक्वेशंस बनी है, इन्हें सिंपलीफाई किया है, कैसे सॉल्व किया है? सर सिंपलीफाई करके क्या है, सिंपलीफाई किया होगा ना इसको? हाँ सर। बताओ जरा क्या बनाया था? 1/4 0.25 ए ना, प्लस 4 0.7 0.75 सर होगा। 0.75 हो गया ना, ये 2/3 कितना है? 0.67 सर। 4/5 होना चाहिए सर। अरे हाँ, 4/5 तो कितना हो गया? 0.8 होगा सर। सीबी 560 हो गया। अब कैंसिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना। किससे कर दें? एक काम करते हैं, इसको 0.2 से कर दो, इसको 0.25 से कर दो। हाँ सर।
है ना, ऐसे किया ना सॉल्व आप लोगों ने? हाँ सर। यस सर। डायरेक्टली मैंने क्या किया कि पहला को 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में। बात तो एक ही रही। देखो कैलकुलेशन करते समय बस इतना याद रखना है कि मिनिमम स्टेप्स इन्वॉल्व होनी चाहिए, एक्यूरेसी आनी चाहिए, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। होने के लिए तो अपने को यहां से भी हो जाता, बट मैंने जान के किया था कि अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो पूरा कैलकुलेट करके देख लो। सर मैंने बिना पॉइंट के किया। हाँ वो तो ठीक है, वो फ्रैक्शन में आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। सबको समझ आ गया ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हैंड डालिए, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। हाँ सर। मैं लिखता हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डाल दिया हेडिंग। हाँ सर। ये पार्ट हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। मुझे बस एक चीज बता दीजिए कि अगर जैसे नेक्स्ट लेक्चर हमारा, अगर हमें टाइम चेंज करना है तो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? सैटरडे को तो हम नहीं कर सकते ना चेंज। नहीं अभी तो पता नहीं ना आपका टाइम टेबल कैसा रहेगा, लेकिन जस्ट आस्किंग कि अगर कभी चेंज करना है तो कैसे। आप लोग आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है सब लोग? नो सर। तो अगर कोई एक्स्ट्रा लेक्चर लगता है किसी का तो ये जो टाइम टेबल इसमें पोस्ट होता है उसके अलावा कहीं और भी होता है क्या? नो सर। उसी ग्रुप में होता है, फाउंडेशन ग्रुप में। इसमें ही आता है ना, तो मतलब बोर्ड के लेक्चर का टाइम टेबल भी इसी ग्रुप में आता है? नहीं सर, वो सर, कहां? अलग अलग जगह से। हाँ सर, वो दूसरा ग्रुप में कर सकते सर आप। अच्छा, मुझे दूसरा ग्रुप मेरे पास नहीं है, इसी ग्रुप में अगर मैं मैसेज डालूं या किससे बात करूं जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहे? भार्गव आपको पता रहता है क्या? सर एक्चुअली मैं नॉन इंटीग्रेटेड बैचलर, तो मुझे बोर्ड्स का पता नहीं रहेगा जो आप लोग के यहाँ से कंडक्ट होता है। अच्छा, बोर्ड्स का किसको पता रहता है? तो सर मुझे। तो बेटा जिसको पता रहेगा ना प्लीज वो मुझे मैसेज कर दे पर्सनल पे कि क्या आपका टाइम टेबल है, तो मैं आगे कोऑर्डिनेट कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम टेबल तो आपका आज ही आ जाएगा है ना। तो आप मुझे कल बता देंगे तो आगे के वीक का प्लान कर लेंगे हम लोग। ठीक है सर। सर आपको क्या बताना है? मुझे टाइम टेबल अपना शेयर कर देना जो आपके बोर्ड्स का रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली लेक्चर में अगर कोई टाइम चेंज करना होगा तो कर पाएंगे हम लोग। ठीक है। ओके। यस सर। ठीक है, चलिए गाइस, गुड बाय। थैंक यू सर।